शैतान रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी हम बना रहे हैं माछ की तहरी दाल, क्योंकि दावतों पे शादियों में बनती है। हमने इसको कम से कम एक घंटा पहले भिगो दिया। अभी धो के अच्छे से साफ कर ली और हमने इस पर डाला 1 कप पानी, बस इतना सा। ये 1 कप दाल है तो 1.5 कप पानी, ठीक है। ये क्योंकि ये दम पे होती है, बस ये उबलती है तो फिर हम आपसे मिलते हैं तेज़ आँच। तो हमने इसके अंदर क्या डालना है, ठीक। 1 कप दाल, 1.5 कप डालने, अगर आपकी दाल सही नहीं है तो आप 2 कप डालने, लेकिन हमारी दाल 1.5 कप में गल जाएगी, क्योंकि हमने खरेरी का मतलब है कि ये टूटनी नहीं चाहिए। ये शादियों में दावतों में बहुत बनती है। अब हम आपको दिखाते हैं। देखें जी, सबसे पहले हमारे दाल गल गई है, ठीक है। ये हमने पहले गोल मिर्चें डाली, फिर हम इसमें प्याज डालेंगे। प्याज होता है, फिर हम आपसे मिलते हैं इंशाल्लाह। देखें इस कंडीशन पे हमारा प्याज दम हो गया, ठीक है। ये देखें, ये खिली खिली सी दाल और ये गल भी गई है, ये देखें, देख रहे हैं। और अभी से इतनी जायका, देखें जी इस कंडीशन पर ये हमारा दाल भगारी दाल का हो रहा है भगार। थोड़ा सा होता है, ठीक है। इस कंडीशन पे ये हमारी जा रही है अदरक और ये कुटी हुई एक ये काटी हुई हरी मिर्च, ठीक है। और इस कंडीशन में जा रही है आधी चमची ये अजवाइन, और इस कंडीशन पे जा रहा है ये 1 चम्मच जीरा, साबुत जीरा। इतनी मज़े की दालें बनती हैं ना, आप ज़रा बनाएं तो घरेलू ढाबा होटल सब मिक्स है इसमें इंशाल्लाह। अल्लाह की ज़ात पे यकीन है और अपने इत्माद पे यकीन है, एक बार आप खाएंगे बार बार बनाएंगे। आप ये हमारी दाल डिश में निकाल दी है, ये देखिए। अब हमने इसको इसी डिश में ही मिक्स किया, ये बहुत से लोग मैं बोल रही हूँ ना दावत पे शादियों पे रखते हैं ये डिश, ठीक। ये हमारी इसके साथ हमारी मज़ीद जाएंगी ये हरी मिर्च, ठीक है। और इसके साथ जाएगा हमारा ये हरा धनिया। ये मज़ेदार सी दाल तैयार है, देखें। अब इसका दाना देखें, बिल्कुल ही साबुत साबुत सा है कि एक ज़रा सा भी नहीं टूटा है, देखें। और ये गला हुआ दे, ये देखें, खाने में तो इतनी लजीज है ना। चलें खाएं, एंजॉय करें और बताएं, शेयर करें, लाइक करें। बहुत शुक्रिया।